तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा फ्रॉड कौन, संदीप महेश्वरी या विवेक बिंद्रा। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्यों झगड़े चल रहे हैं उनके। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं फटाफट उनको बता देता हूँ कि झगड़े किस लिए चल रहे हैं। तो मैं बता दूँ, कुछ दिन पहले तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ हफ्ता पहले ही जब संदीप महेश्वरी जी का एक सेशन हुआ, उस सेशन में कुछ स्टूडेंट्स ने खड़े होकर बोला कि एक बड़े यूट्यूबर है जो बिजनेस एडवाइजरी देते हैं, उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया है। कैसे, उन्हें बोला गया कि उन्हें बिजनेस करना सिखाया गया जाएगा, अपने कोर्स को प्रोवाइड किया गया, उन्हें बहुत सारे टिप्स दी गई बिजनेस को लेकर, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और बिजनेसमैन बनाने को बोलकर उन्हें सेल्समैन बना दिया गया, जिससे उनके पैसे अटक गए। तो जब उन्होंने उस पैसे को रिफंड मांगा तो उन्हें बोला गया कि इस कोर्स को और लोगों को बेचो और लोगों को चिपकाओ इस कोर्स को, जिससे इस पैसे पर जो कमीशन निकलेगा उस पैसे से आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हो, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। इसे आसान भाषा में आपको समझाता हूं मैं। एक पिरामिड की तरह होता है, जैसे कि एक बंदा इस कोर्स को खरीदेगा, फिर वो चार लोग को बेचेगा, चार लोग को 16 लोग को बेचेंगे, 16 लोग 32 लोग को बेचेंगे। इस तरह इसका रेवेन्यू होता है और लोग पैसा कमाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और फ्रॉड है। संदीप महेश्वरी को एक बात मालूम पड़ती है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, स्टूडेंट्स को फंसाया जा रहा है। उन्होंने तुरंत आवाज़ उठाई, लेकिन संदीप महेश्वरी के उस वीडियो में कहीं भी विवेक बिंद्रा को मेंशन नहीं किया गया था या कहीं पर उनका नाम लिया गया था। लेकिन इस वीडियो के अपलोड होते ही विवेक बिंद्रा की टीम ने संदीप महेश्वरी से कांटेक्ट करने लगी, उन्हें धमकियां देने लगी, उन्हें लीगल नोटिस भेजा जाने लगा, उनकी टीम को धमकाया जाने लगा विवेक बिंद्रा द्वारा। और आप ही सोचिए, अगर आपने गलत नहीं किया तो आप डर क्यों रहे हो और आप इतना बढ़ चढ़ के आगे क्यों आ रहे हो। इससे ये कहीं ना कहीं साफ होते जाता है कि विवेक बिंद्रा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर कर रहे, या तो कोई स्कैम कर रहे या कोई फ्रॉड कर रहे लोगों के साथ। उसके बाद जब विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी के खिलाफ एक्शन लेने लगे, उनकी टीम के खिलाफ, उसके बाद संदीप महेश्वरी डायरेक्ट सबके सामने खुलकर आए, उन्होंने विवेक बिंद्रा का नाम लिया और उन्होंने #StopVivekBindra को मेंशन किया, लोगों को मोटिवेट किया, आप उनका विरोध कीजिए, उसे कोर्ट में घसीटिए और लोगों तक बचाइए ये बातों को कि विवेक बिंद्रा किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और संदीप महेश्वरी जी ने कहा कि वो अपने चैनल के जो मोनेटाइजेशन उन्होंने ऑफ रखा है उसे ऑन करेंगे, जिससे उनके वीडियो पर जो रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू को यूज़ करके वो विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस लड़ेंगे, अपनी एक लीगल टीम को बनाएंगे जो अच्छा स्टूडेंट्स के फेवर के लिए। तो अभी तक यही सब हुआ है और अब बात करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा, कुछ पॉइंट्स रखूंगा, तो आप ही सोचिए कि कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला आप ही कर सकते। और पहली बात यह है कि विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी दोनों के करोड़ों में फॉलोवर्स है और दोनों बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिन्होंने स्टूडेंट्स पे ज़्यादा उनका इफेक्ट रहता है, वो ज़्यादा करके स्टूडेंट की बातों को सुनते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर क्लास फैमिली में कोई भी इतना समझदार नहीं होता कि वो गाइड कर सके, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास के, वो बहुत भटके नहीं तो इन लोगों को फॉलो करते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई अगर कोई स्कैम करने लगे, कोई फ्रॉड करने लगे, अपना कोर्स बेच कर लोगों से पैसा कमाने लगे, बहुत ही गलत है, क्योंकि बहुत मन से पैसे जुटाए जाते हैं। और अभी हम बात करेंगे विवेक बिंद्रा के बारे में। विवेक बिंद्रा बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनके करोड़ों में फॉलोवर्स भी है और एक बहुत बड़े बिजनेस एडवाइज़र भी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को एडवाइस दी है और उनके जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करते ही है। लेकिन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनको पता है पब्लिक को यूज़ कैसे किया जाता है। एक अपना कोर्स बनाया जिसके अंदर वो बिजनेस को लेकर टिप्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि आप हमारी बिजनेस कोर्स को बाय कीजिए, जिससे 25 से 30 दिन के बीच में आपको हम लोग बिजनेस करना सिखाएंगे, जिससे आपका जो बिजनेस है वो 1 लाख से लेकर 20 लाख तक कैसे कमा सकते हो। इस बारे में बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े होटल्स दिखाकर ऐसे करके लोगों को कोर्स बेच दिया जाता है। लेकिन आप ही सोचिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। जो कोर्स आपने बाय किया है, जो किसी और ने बाय किया है, तो मुझे पता होता है कि वो बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो स्किल्स है कि नहीं है। लेकिन हर किसी को वो कोर्स बेचकर लोगों को फंसा कर, ये इस तरह पैसे कमाने से आप लोगों को फंसा रहे हो, अपने फॉलोअर्स का और अपने फॉलोअर्स के विश्वास का गलत यूज़ कर रहे हो, जो एक बहुत बड़ा स्कैम है और फ्रॉड भी है। किस तरह आप स्टूडेंट्स का काट रहे हो, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि आप ही सोचिए कि विवेक बिंद्रा 10 दिन में MBA का कोर्स बेच रहे हैं, अरे कौन है भाई जो 10 दिन में MBA का कोर्स बेचता है। और संदीप महेश्वरी का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने बताया कि विवेक बिंद्रा ने करीबन 500 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से पैसे कमाए हैं, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को अपना कोर्स बेचा है और उनके कोर्स का प्राइस भी कम नहीं, 25,000, 50,000, 1 लाख तक उनके कोर्स का प्राइस होता है, जो स्टूडेंट्स को बहका कर मैनिपुलेट करके खरीदवाया जाता है। और उसके बाद जब उनको रिफंड मांगते हैं, उनके रिफंड भी नहीं दिया जाता, उन्हें बोला जाता है कि आप इस कोर्स को और लोग को बेचिए, जिससे इसके पीछे जो कमीशन निकलेगा उससे आप अपने पैसे को रिफंड कर सकते हो। ये एक तरीके का ट्रैप है, जहाँ पे आप एक बार फंस जाओगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से फंसे रहोगे। बस ये सब एलिगेशन विवेक बिंद्रा के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। और विवेक बिंद्रा ने संदीप महेश्वरी से बहुत बार मिलने की भी बात की कि आके मिल के बात कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से मामले को सुलटाने की बात ज़्यादा मुझे लग रही है। और यहीं पे विवेक बिंद्रा भी शांत नहीं थे, उन्होंने भी संदीप महेश्वरी के ऊपर कुछ एलिगेशन कि संदीप महेश्वरी के यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं,
उनके जो चैनल पे मोनेटाइजेशन बंद है तो उसे चालू करने के लिए वैसा कर रहे हैं, एक स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि दोनों के व्यूज बढ़ जाए, संदीप महेश्वरी अपने आपको मार्केट में वापस लाने के लिए एक स्टंट कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिगेशन लगाए गए उनके ऊपर। और आप ही सोचिए, विवेक बिंद्रा जो इतने बड़े यूट्यूबर है, एक बिजनेसमैन एडवाइजर है, इतने बड़े आदमी है लोग, और उनकी एक वीडियो जो कुछ महीने पहले वायरल हुई थी जहाँ पे वो अपनी बीवी को अपने सोसाइटी गेट के नीचे मारते हुए दिखाई दिए, जो बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं। विवेक बिंद्रा ने बहुत ही समझदार तरीके से अपने फॉलोअर्स को यूज किया पैसे कमाने के लिए। मेरा बस आप लोग से एक ही सवाल है कि हम जब भी घर से बाहर जाते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए तो हम लोग 10 बार चेक करते हैं कि वो चीज़ अच्छी है कि नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे हज़ारों की बात होती है जहाँ पे 50,000 से लगे 25,000 तक आप किसी कोर्स को परचेस करने में पे कर देते हो लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि मार्केट में कौन आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, बड़े बड़े लाइफस्टाइल दिखा के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घड़ी, पैसे दिखा कर कि आप ये कर लीजिए, आप इतने बड़े आदमी बन जाएंगे, और इससे क्या होता है, लोगों का टाइम वेस्ट होता है और लोगों को ठगा जाता है। और हमेशा लोअर क्लास और मिडिल क्लास जैसे लोग जिनके पास गाइड करने के लिए लोग नहीं होते कि गाइडेंस दे सके कि आपको ये करना है, वो करना है, ये मत कीजिए, वो लोग ही ऐसी जगह फंस जाते हैं। ये बहुत गलत ही चीज़ है। मैं यहाँ पे किसी को भी सपोर्ट नहीं करूँगा, ना संदीप महेश्वरी ना विवेक बिंद्रा को, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए विवेक बिंद्रा के खिलाफ कि वो क्या सच में लोगों को मैनिपुलेट करके उनके पैसे हड़प रहे हैं, कि वो बहुत ही गलत है क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, विवेक बिंद्रा जरूर कोई एक्शन भी लेंगे और संदीप महेश्वरी भी कोई एक्शन लेंगे। तो दोस्तों यही सब बात है, मैंने आपके सामने पॉइंट्स भी रख दिए, तो आप ही फैसला कीजिए कि कौन गलत है कौन सही है, और कमेंट में अपनी राय बता देना कि आपको क्या लगता है कि कौन सही है। और जो संदीप महेश्वरी के सपोर्ट करते हैं वो कमेंट बॉक्स में संदीप महेश्वरी लिख देना, और जो विवेक बिंद्रा को सपोर्ट करते हैं विवेक बिंद्रा को क्यों सपोर्ट करते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना बस। थैंक यू दोस्तों।